हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम फिर से दोहरान करने वाले हैं स्वर संधि का। लेकिन अब से पहले हम क्या करते थे, हमेशा हम संधि जो विच्छेद किया होता था उसका संधि बनाते थे, मतलब हमेशा हर बार जोड़ते थे उनको, किस तरह से जोड़ा जाता है, हमेशा विग्रह किया हुआ होता था उसको हम फिर से संधि करवाते थे। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, आज हम संधि विच्छेद सीखेंगे। जितने भी स्वर संधि के हमने जितने भी भेद पढ़े थे उन सभी के साथ हम क्या करना सीखेंगे, संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे। सब आना चाहिए ना। वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है, आपका संधि विच्छेद क्या होता है, आपको संधि पद बनाना होता है, बट हमको सब कुछ आना चाहिए। शब्द आ जाए तो उसका भी संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तो वो सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, संधियों के रूल्स को समझेंगे, एक एक बार समझते जाएंगे और साथ ही साथ उनके उदाहरण भी करते जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम संधि विच्छेद में, पहली संधि जो है हमारी दीर्घ संधि। फॉर्मूले हमने बहुत बार बना लिए लेकिन अब सिर्फ देखना है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि जब मैं करवाती जाऊंगी, जब मैं आपको संधि विच्छेद करना सिखाऊंगी तो आपके सामने लिखे होंगे, तो आप फटाफट अपनी नोटबुक में साथ ही साथ करके देखते जाना, तो इसलिए आपकी हेल्प के लिए डाले। लेकिन एक दो बार देखोगे उसके बाद आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये इसके रूल्स होते हैं, ये इसके फॉर्मूलाज होते हैं, इसके थ्रू हम संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भाई ये जो हमने इतनी बार इसको सीख लिया है कि अ आ के साथ अ आ मिले तो बनता है क्या, आ। ऐसे ही ई ई के साथ ई ई मिले तो क्या बनता है, ई। ऊ ऊ के साथ ऊ ऊ मिले तो क्या बनता है, ऊ। अब यहाँ पे पहचान कैसे करोगे, क्योंकि आपको शब्द मिलेंगे, पूरा पूरा शब्द मिलेगा। वैसे तो क्या होता था, हमारे पास दो पद होते थे और इनमें और इसमें हम रोज देख लेते थे, यहीं से कुछ होगा फिर बनेगा ये, तो हमारे लिए थोड़ा इजी होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब हमको पूरा पूरा एक पद मिलेगा, उसको हमको विच्छेद करना होगा, तो उस शब्द के अंदर हमको पहचान करनी होगी कि संधि कौन सी है। तो पहली संधि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, जब आपको शब्द के बीच में क्या मिले, कौन कौन सी मात्रा मिले, या तो आ की मात्रा मिले, बड़ी ई की मात्रा मिले, या बड़े ऊ की मात्रा मिले, तो हो सकता है वहां पे दीर्घ संधि है। हो सकता है, होगा नहीं बोला मैंने, हो सकता है, यानी कि 99% मैं श्योर हूं, आप भी श्योर रहेंगे, बट कहीं 1% हो सकता है ऐसा कि वहां पे दीर्घ संधि नहीं हो, तो हम 100% नहीं कहेंगे, 99%, क्योंकि ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है, ट्रिक सिर्फ जहां फंस जाओ वहां काम करती है। ठीक है, तो 99% आपका वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। कब, जब आपको शब्द के बीच में क्या दिख रही हो, आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा। क्लियर, अब देखते हैं हम कुछ उदाहरण जिसको हम करते जाएंगे और वन बाय वन देखते जाएंगे। फर्स्ट दे रखा है राम अवतार, रामावतार। शब्द के बीच में आपको कहां दिख रहा है, और खुद से ही इतने सारे करोगे ना कि शब्द देखते ही आपको सेंस आ जाएगा कि कहां पर सार्थक शब्द हो रहा है, क्योंकि जब संधि कर रहे होंगे तो दो शब्द होंगे और दोनों शब्द कुछ मायने रखते होंगे, कुछ उनका मीनिंग होगा, जब उनको जोड़ेंगे तब उनका एक नया अर्थ बन जाता है। तो यहां पर दे रखा है ये रहा, शब्द के बीच में हमको यहां पर दिख रहा है रामावतार। तो जहां पर आपकी संधि हो रही है, जहां पर आपका विकार उत्पन्न हो रहा है, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, इसको निकाल दिया, क्या है, मां। मां कैसे बना हुआ है, म और आ से। जब इस म को मैंने अलग कर दिया तो यहां पे आ गया। आ आते ही दिमाग में क्या बजनी चाहिए, घंटी, कि यहां पे क्या दे रखा है, आ की मात्रा दे रखी है, यानी कि कौन सा रूल चलेगा, ये वाला चलेगा। ये वाले का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था, अ या आ के साथ अ या आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ। अब यहां पे क्या दे रखा है, जब मैंने इसको अलग किया तो एक म रह गया था, यानी कि रा म है, और यहां पे क्या है, वतार। ठीक है, यहां रा म है, आधा म है अभी, और यहाँ पे क्या है, वतार है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शब्द बनाना है, जिससे हमको पता चले कि सही विच्छेद क्या है। ये स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा, और आप शब्द देख के खुद से ही बनाने लग जाओगे वहीं पर ही। अभी देखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन एक एक शब्द करेंगे, फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
हमको इजीली शब्द के बीच में से ही हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी। तो देखो राम, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ अ लगा के देखो तो क्या बनेगा, राम, और अगर आ लगाऊं तो बनता है रामा। ऐसे ही अवतार के साथ अगर अ लगाऊं तो अवतार, और आ लगाऊं तो आवतार। अब आपको सेलेक्ट करना है कि सही क्या दिख रहा है, सही रामा तो नहीं हो रहा है, राम होता है, राम का अवतार है तो राम, और अवतार कुछ नहीं होता है, अवतार होता है, तो सही कौन सा जोड़ा बनेगा ये, और यही इसका क्या हो जाएगा विच्छेद, राम जमा अवतार, राम अवतार, है ना। अच्छा लग रहा है ना, ऐसे प्रैक्टिस करोगे। अब नोटबुक साथ में लेके रखो, नेक्स्ट करके देखना, वहीं पर ही पॉज करना वीडियो को और खुद से करके देखना, तो अगर आ जाता है दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो, आपको सही से सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है महेश्वर, महेश्वर क्या करना है, सबसे पहले शब्द को देखो, शब्द के बीच में क्या दिख रहा है, बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, जहां विकार दिख रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं, क्या है ह और बड़ी ई, बड़ी ई आते ही माइंड में क्या आ जाएगा, बड़ी ई कब आती है भाई, वो तो दीर्घ संधि में आती है जब ई या बड़ी ई का मेल किसी ई या बड़ी ई के साथ हो, तो क्या बनता है बड़ी ई बनता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करें, मह है और यहां श्वर है, यहां मह है यहां श्वर है, अब लगा के देखते हैं इनके साथ और इनके साथ, मह के साथ म ही लगाऊं या म ही लगाएं, ईश्वर लगाएं या ईश्वर लगाएं, ठीक है। अब आप खुद से देखो क्या सही लग रहा है, सही तो लग रहा है महेश्वर का ईश्वर ये, और मही ये सही लग रहा है ना, तो इन जो सही लग रहा है उसको लिख देंगे यहां पर महेश्वर, ओके। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है भूषमा, ओके। अब भूषमा के साथ कैसे करेंगे, लिख के देखते हैं, भूषमा कहां दिख रहा है, अब यहां पे आप कहेंगे मैम यहां पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ अगर आपको संधि के लिए शब्द दिया होगा, जरूरी नहीं कि हर शब्द की संधि हो, लेकिन अगर शब्द दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो कहीं ना कहीं तो संधि होगी, संधि कहाँ हो रही है, बड़ा ऊ दिख रहा है यहाँ पे, करके देखते हैं क्या होगा, जहां विकार हो रहा है उसे बाहर निकाल दो, भ और क्या है बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ आते ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा क्या होगा भाई, दीर्घ संधि वाले रूल में होता है कि बड़ा ऊ कुछ बनता है, कैसे बनता है, छोटा ऊ या ऊ के साथ ऊ या फिर ऊ बने तो क्या बनता है, ऊ बनता है। अब लगाओ सबके साथ साथ, भ के साथ ऊ लगाते हैं तो भू बनता है, बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो भू बनता है, ऐसे ही उष्मा बनाते हैं तो उष्मा बनता है, और अगर ऊ लगाते हैं तो ऊष्मा बनता है। अब शब्दों को देख के हमको ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा सार्थक शब्द लग रहा है, मतलब कौन सा सही लग रहा है, यहां से आपको शब्द शुद्धि भी समझ में आ जाएगी कि सही शब्द क्या है, अब से पहले अगर आप गलत लिखते होंगे तो वो सही हो जाएगी, तो भू तो कुछ नहीं होता है, भू होता है, है ना, और ऊष्मा, भू मीन्स भूमि, ऊष्मा, तो भू ऊष्मा, यहां से ये वाला जो है पेयर हमको सही लग रहा है और लिख देंगे। अब सबका लिखते हैं, इसका क्या बनाया था हमने, राम अवतार, नेक्स्ट हमने लिखा था मही ईश्वर, और खुद से बोल के देखो क्या बोल रहे, ईश्वर थोड़ी बोल रहे, ईश्वर बोल रहे हैं ना, भूषमा का भू ऊष्मा, ये हो गया हमारा दीर्घ संधि का संधि करना, इससे पहले हमने संधि विच्छेद सीखे थे। नेक्स्ट हम संधि सीखते हैं कौन सी वाली, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि का फॉर्मूला क्या था, गुण संधि का फॉर्मूला था जो हमने ये देखा था, इसके रूल्स देखे थे कि अ आ के साथ अगर ई ई मिल जाए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, अ आ के साथ अगर उ ऊ मिल जाए तो क्या बन जाता है, ओ बनता है, और अ आ के साथ ऋ ऋषि मिल जाए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, सीखा था हमने। अब उदाहरण देखते हैं और वन बाय वन करते हैं, सबसे पहले दे रखा है उमेच्छा, ठीक है, उमे इच्छा,
पहचान कैसे करोगे भाई इसकी? दीर्घ संधि में तो हम क्या देखते थे, शब्द के बीच में हमको किसकी मात्रा दिखनी चाहिए थी, आ की, बड़ी ई की या फिर बड़े ऊ की। और गुण संधि में क्या देखोगे, गुण संधि में देखोगे शब्द के बीच में किसकी मात्रा होनी चाहिए, ए की या फिर ओ की। ठीक है, शब्द के बीच में आपको ये मात्राएं दिखनी चाहिए। अगर दिख जाती हैं तो समझो वहां पर 99% क्या होगा, गुण संधि होगी। 100% नहीं कह रही हूँ, ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है, 99% हो सकता है वहां पर यह संधि होगी। करके देखते हैं उमेच्छा, जहां पर आपको जैसी मात्रा दिख रही है उसको बाहर निकाल दो, क्या है में। बनाते हैं म और क्या है ए। जैसे ही आपने अलग किया आपके स्वर से आपको ये वाला रूल याद आ जाएगा कि ए ये कहां बनता है, ये तो यहां बनता है। निकाल लो इसका फॉर्मूला, क्या होता है, अ आ के साथ ई ई मिले तो बनता है ए। ये हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब हमको ये वाली चीज डालनी है, जैसे मैथ्स में करते हैं ना फॉर्मूला पुट करते हैं, वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं। उम और यहां पे क्या है छा, लगाते हैं उम, अ लगाएं तो उम बनेगा, आ लगाएं तो उमा बनेगा, इच लगाएं, इच्छा लगाएं, सॉरी इच्छा लगाएं या फिर ईच्छा लगाएं। अब सही देखो क्या लग रहा है, उम तो नहीं होता है उमा होता है, है ना, और इच्छा नहीं होता है इच्छा होता है, तो सही कौन सा है, ये और ये। तो हमारा उमेश का क्या बने, उमेच्छा का क्या बनेगा, उमा जमा इच्छा। अब गलती हम ये ना कर दें कि इच्छा को इच्छा कर दें, इच्छा तो हमको पता ही है कि कैसे लिखता है, लिखा जाता है तो इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं लोकोद्धार, लोको उद्धार, जहां पर आपको शब्द के बीच में जहां पर आपको दिख रहा है संधि, मतलब कि आपको पहचान करनी है, तो पहचान कैसे करोगे, शब्द पहले देखो अ आ ई है, नहीं है, अच्छा दूसरा वाला देखते हैं ए ए ए और ओ है, हाँ दिख तो रहा है ओ, ये रहा, निकालो इसको, क्या है क के लिए क और ओ। जैसे ही आपने अलग किया आपको ओ दिखा, ओ से आपको याद आना चाहिए, ओ तो कहाँ आता है, इस वाले में आता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, अ आ के साथ ऊ ऊ मिले तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लोक, लोक के साथ अ लगाए तो बनता है लोक, और अगर आ लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है, लोका। नेक्स्ट इसके साथ उद्धार लिखें या उधार लिखें, उधार, तो जितना जितना हमने पढ़ा है हमको पता है कि लोक सही लग रहा है, लोका ओका नहीं होता है, उद्धार ये वाला ठीक है, ये तो नहीं होता ऐसा कुछ, तो कौन सा आ जाएगा, सही ये वाला हो जाएगा, और यहां लिख देंगे हम लोक उद्धार। नेक्स्ट देवर्षि, देवर्षि के साथ पहली चीज हमने क्या देखी थी, पहचान कैसे करोगे, शब्द के अंत में अगर आपको री की मात्रा दिख रही है, ऊपर की तरफ र दिख रहा है, तब तो वहां समझो क्या है, तब वहां पर गुण संधि है, शब्द के बीच में नहीं, शब्द के अंत में, बिल्कुल लास्ट में आपको लास्ट वाले जो शब्द है उसके लास्ट वाले अक्षर पे अगर आपको र दिखता है तो वहां पर हो सकता है वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी 99%। ठीक है, ये बार बार 99% मैं आपको याद दिला रही हूँ, नहीं तो कहीं किसी शब्द में हो जाएगा आप बोलोगे मैम यहाँ तो है ही नहीं ऐसा, आपने तो बोला तो ऐसा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, नहीं फिर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, देवर्षि, देवर्षि के साथ कैसे करेंगे, देवर्षि में देखो कहाँ पर संधि हो रही है, यहाँ पर हो रही है, कैसे पहचानोगे, शब्द के अंत में अगर आपको र दिख रहा है तो वहां पर क्या है, गुण संधि है, और ये र कैसे बना होगा देखते हैं, देव और ऋषि जहां विकार उत्पन्न हो रहा है उसको बाहर निकाल दो, इसको हम ऐसे लिखें शी और र लिखे, नहीं र आधा है ना, तो र पहले आया होगा और उसके बाद जाके वो किसी और के ऊपर चढ़ा है ना, क्योंकि र हमेशा अगर र आधा है और उसके बाद कोई अक्षर लिखा है
तो र हमेशा अपने बाद वाले शब्द के साथ जुड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पहले जुड़ जाता है, पहले कोई वर्ण हो उसके साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। आधा र हमेशा अपने जस्ट बाद वाले से के साथ ही जुड़ता है, या उसके ऊपर या उसके नीचे लगता है, जहां भी लगता है वो उसके पीछे वाले के लिए लगता है। तो यहां पर इसको आप अलग करोगे तो क्या लगेगा, यहां पे होगा र और ये शी, और ये क्या है, देव। अब आप ये देखो कि देव और देव में अ क्या है, देव पूरा नहीं है, इसके साथ अ लगा हुआ है। तो अर वाली कहां चीज आती है, अर वाली चीज यहां आती है। यहां से आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा कि अ और आ के साथ री ऋषि मिल जाए तो क्या बनता है, अर बनता है। अब करते हैं, देव लिखें या देवा लिखें, और ऋषि के साथ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऋषि का तो ऋषि है, तो देव ऋषि होता है, देवा ऋषि नहीं होता है। यहां से सही क्या बन जाएगा, देव ऋषि देवर्षि। ठीक है, ये हो गया हमारा गुण संधि। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का फॉर्मूला क्या होता है, अ आ के साथ ए ए हो जाए तो ए हो जाता है, और अ आ के साथ ओ ओ हो जाए तो अ होता है। यहां पर क्या ध्यान रखना है, ए ए और ओ ओ। पहचान कैसे करोगे, पहचान दीर्घ संधि में हम क्या लगाते थे, आ की मात्रा दिखती थी शब्द के बीच में, बड़ी की या फिर बड़े ओ की। फिर उसके बाद गुण संधि में क्या दिखता था, गुण संधि में हमको दिखता था, गुण संधि में हमको क्या दिखता था, गुण संधि में हमको दिखता था या तो ए की मात्रा हो या फिर ओ की। अब वृद्धि संधि है तो नाम से वृद्धि हो रही है, इसलिए वृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अब हमको ए की मात्रा दिखेगी और औ की मात्रा दिखेगी। ठीक है, दो दो दिखेंगी, जहां एक एक दिखती थी गुण संधि में, अब दो दो दिखेंगी। पहचान हो गई, शब्द के बीच में हमको ये दिखना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है महेशना, महेशना स्टार्ट करते हैं, कहां दिख रही है, जहां पर दो मात्राएं चमक रही होंगी, समझ में आ जाएगा ये तो कौन सी संधि है, हमारी वृद्धि संधि है। विकार कहां उत्पन्न हो रहा है, हे में, तो ह ले लो और उसके साथ क्या है, ए। जैसे ही ये आ गया, हमको याद आ जाएगा ये वाली चीज कि इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, ये वाला लगता है। क्या होता है, अ आ के साथ, याद कैसे रखोगे, इसी की फैमिली का होगा ना, तो यहाँ पे ए या फिर ए होगा, तो बन जाता है ए। अब लगाते हैं, जहां पर हो रहा है क्या है, मह है, और यहाँ क्या है, शणा है। शुरू करते हैं, मह के साथ अ लगाते तो मह, और आ लगाते हैं तो महा। ऐसे ही यहां पर एषणा लगाते हैं या फिर एषणा लगाते हैं, कौन सा सही लग रहा है, महा सही लग रहा है, एषणा सही लग रहा है, ये वाला नहीं होता ऐसा कुछ, मह नहीं होता कुछ, सही क्या है, ये है। तो यहां पर बना देंगे क्या, महा एषणा, महेशणा। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है वनौषत, वनौष शब्द के बीच में क्या दिख गई, दो मात्राएं दिख गई, वहीं पर ही माइंड क्लिक हो गया, ये तो क्या है, ये तो हमारी वृद्धि संधि है, मात्रा की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जहां हो रहा है उसे निकाल दो, क्या हो रहा है, न में लग रहा है तो न और ओ, न ओ दिखते ही ओ से हमको क्लिक हो जाएगा कि ओ तो कहाँ आता है, इस वाले फॉर्मूले में आता है। फॉर्मूला क्या है, आ के साथ ओ ओ हो तो क्या बन जाता है, आओ बन जाता है, और आओ बनते ही क्या करेंगे, हम लगाना शुरू कर देंगे, वन लिखें या फिर वना लिखें, दूसरा औषध लिखें या फिर औषध लिखें। तो हमने इतनी बार हिंदी तो पढ़ी है, इतने टाइम से पढ़ी रहे, तो हमको इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, तो भाई वन होता है, वना तो कुछ नहीं होता, औषध नहीं औषध होता है, तो यहां से हम लिख देंगे वन औषध वनौषध। विकार उत्पन्न हो रहा है ना, हम एक बोल रहे हैं वन औषध और हो जाता है वनौषध, तो जहां बोलने में ही विकार आ जाए वही होती है हमारी संधि, संयोग में ऐसा नहीं होता, संयोग में जैसा लिखोगे वैसा ही बोलने में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है महोजस्वी, महोजस्वी
इसको करके देखते हैं, शब्द के बीच में क्या हो गई, मात्रा की वृद्धि हो रही है, दिख रही है, निकाल देते हैं। कैसे बना होगा, ये बना होगा ह और औ से। औ आते ही क्या हो जाएगा, माइंड में ये वाला फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा। लगाते हैं, क्या क्या आ जाएगा, म ह, महा लिखें, मह लिखें या महा लिखें, क्योंकि अ और आ के साथ लिख दिया। फिर दूसरा ओजस्वी लिखें या फिर औजस्वी लिखें, तो आप खुद से बोल के देखो। महा तो नहीं, महा सही लग रहा है ना। ओजस्वी होता है या औजस्वी होता है, ओजस्वी होता है ना, औजस्वी नहीं होता है, ओजस्वी होता है। तो यहाँ से एक तो, दोनों में से एक तो महा सही है और दूसरे में क्या सही है, ओजस्वी सही है। ये बन गया हमारा महोजस्वी। ठीक है, ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। नाउ नेक्स्ट है हमारी यण संधि। यण संधि फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई ई के साथ, अब से पहले अ आ आते थे, ठीक है, और उ ऊ आता था, सॉरी अ आ आता था, या फिर दीर्घ संधि में उ ऊ आता था, या फिर रि ऋषि के साथ भी आता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके साथ क्या होगा, अब आपको ई ई मिलेगा। अब से पहले यहाँ पे कभी सिर्फ दीर्घ संधि में था, बाकी अदरवाइज कहीं भी नहीं था। और अगर दीर्घ संधि में था तो उसके लिए भी आप याद रखो कि अगर दीर्घ संधि में होगा तो उसके जस्ट पास वाले में भी ई ई ही होगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ भाई, ई ई के साथ कोई भी स्वर आएगा तो बन जाएगा य। तो ई ई के साथ कुछ भी आ जाएगा बनेगा य, उ उ के साथ कुछ भी आ जाएगा बनेगा व, और रि ऋषि के साथ कुछ भी आ जाएगा, कोई भी स्वर आ जाएगा तो बन जाएगा र। ठीक है, पहचान कैसे करोगे, पहचान ऐसे करना है कि जो ये य व और र, ये जो तीनों हैं, इन तीनों को जब आप किसी शब्द के बीच में देखो और उसके जस्ट बाद आपको कोई अक्षर, कोई वर्ण आधा मिले, वहीं पर वो क्या होती है, यण संधि होती है। ये इसकी पहचान है। क्या ध्यान रखोगे कि अगर आपको शब्द के बीच में क्या मिल जाए, य व र, ये तीनों मिल जाए, तो फिर बहुत कॉमन है, ऐसे तो बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। लेकिन इन शब्दों के जस्ट पहले आपको क्या मिलना चाहिए, कोई वर्ण जो है वो आधा हो, आधा त हो, आधा श हो, आधा र हो, कोई भी चीज आधी हो, यानी कि उसमें हलंत वाली चीज हो, वो आधा हो, तब समझो कि वहां पर क्या हो सकता है, 99% यण संधि हो सकती है। यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो कैसे होती है, उदाहरण देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, देव्यागमन। क्या देख रहे हैं, शब्द के बीच में, अरे मैम य आ आ दिख रहा है, ये तो होना चाहिए हमारा क्या ये तो हमारी दीर्घ संधि होनी चाहिए, क्योंकि शब्द के बीच में आ की मात्रा दिख रही है। ठीक है, आ की मात्रा दिख रही है, निकाल देते हैं। शब्द के बीच में आ की मात्रा दिख रही है और आप सोचेंगे मैम ये तो दीर्घ संधि है, चलो ठीक है दीर्घ संधि देख लेते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि में तो हमने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा था ना, ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा था कि भाई या के बाद या ऐसा कुछ के बाद हमारा क्या आना चाहिए, कोई आधा वाधा होना चाहिए। उसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आपको शब्द के बीच में आ की मात्रा दिखती है तो वहां पर क्या हो सकता है, दीर्घ संधि हो सकती है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, करके अगर देखोगे तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या गलती है। देव या गमन, हम इसको एक पल के लिए दीर्घ संधि मान लेते हैं, यहां से ले लिया, जहां पर संधि होती है उसको अलग कर दो। ये हो जाएगा देव्य या फिर देव्या, दोनों में से देव्या लिख देते हैं, यहां हो जाएगा आगमन। देव्य आगमन, देव्य आगमन ठीक तो लग रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है, देव्य आगमन नहीं होता है, कुछ अलग होता है। यहां पे ये शब्द सही तो लग रहा है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ना कि हर बार ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो सही हो, मतलब 99% ही ट्रिक काम करती है। अब देव्य आगमन, देव्य भी बोलते ही हम देवताओं का आगमन कहते हैं देव्य, लेकिन इस संधि में जो किया हुआ है उसका सही अर्थ ये नहीं है। सही क्या होगा यण संधि के अकॉर्डिंग, कि यण संधि में क्या होना चाहिए, यण संधि में हमेशा जब भी आप ये यह देखोगे उसके जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा होगा, आपको कोई वर्ण आधा दिख रहा होगा, चाहे वो य के साथ हो, व के साथ हो या फिर र के साथ हो। तो य के साथ आधा वर्ण दिख रहा है, दिख रहा है, जहां हो रही है संधि उसको बाहर निकाल दो। कहां हो रही है, व, पूरा ही शब्द लिख देते ना, देव्यागमन संधि कहां हो रही है, इसके अंदर हो रही है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है,
एक तो व है आधा और य और उसके साथ आ, ठीक है। य आते ही माइंड में क्लिक हो जाएगा कि भाई य किसके लिए है, ये तो इसके साथ है। इसके साथ क्या है भाई, कोई भी स्वर, कौन से ई, ई के साथ कोई भी स्वर आ जाएगा। तो इसके साथ ई लगा के देखते हैं, एक तो हम लिख देते हैं देवी, एक ऐसे लिख देते हैं देवी, छोटी बड़ी दोनों लगा के देख ली। यहाँ पर क्या है, आगमन, तो आगमन ही आ जाएगा क्योंकि कोई भी स्वर आएगा। इसमें स्वर के बारे में तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा ना कि भाई अ आ हो या उ ऊ हो, कोई भी स्वर। तो स्वर कौन सा निकल के आया है, इस य के साथ जो भी आपका स्वर डला हुआ होगा उसको आप एज इट इज लिख देना। तो यण संधि में विग्रह करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ आगे वाली चीज को ही चेंज करना है, पीछे वाली को तो कुछ नहीं करना। जैसी इसमें जैसा इसमें स्वर डला होगा वैसा उसको लिख देना अलग से। भाई देखो ये आगमन है तो आगमन हो जाएगा, अगर यू होता उगमन हो जाता, अगर ई होता इगमन हो जाता। यानी जैसा भी यहाँ पर स्वर होगा वैसा लग जाएगा। बाकी यह हटते ही आधे यह के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि ई ई के साथ होगा। तो जो भी आपको वर्ण दिख, जो भी आपको शब्द दिख रहा है, देव, देव में देवी लगा के देख लो, ई की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगा के देख लो, जो सही लगता है वो सही होगा। अब देवी ऐसे तो कोई नहीं लिखता है, ये तो गलत होता है, ये वाला सही है। तो देवी आगमन यहाँ से बन जाएगा देव्यागमन, तो इधर देवी आगमन लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है न्याय। न्याय शब्द के बीच में आपको पहचान ऐसे करनी है, दीर्घ संधि जब देखोगे ना तो दीर्घ संधि में आपको आ दिखेगी, लेकिन वहां पे फटाफट से क्रॉस कर चेक कर लेना। दीर्घ संधि के जब भी आप शब्द देखोगे या कोई भी ऐसा शब्द दिखता है जिसमें आपको आ की मात्रा दिखती है, तो वहीं पे क्रॉस चेक करके देख लेना कि शब्द के बीच में या तो नहीं है, या वा तो नहीं है, या फिर रा तो नहीं है। अगर है तो उसके जस्ट पहले कोई शब्द आधा तो नहीं है, अगर उसके जस्ट पहले कोई भी अक्षर अगर आधा होता है वहीं पर ही उसको यण संधि के साथ करके देख लो, ठीक है। तो जब भी कोई भी शब्द देखते हो जिसमें शब्द के बीच में अगर आपको आ की मात्रा दिखती है तो आप क्या करोगे, वहीं पर आ की दिखे चाहे ई की दिखे चाहे बड़े ऊ की दिखे, वहीं पर ही उसको देख लो कि य व र तो नहीं है। अगर य व र है तो उसके जस्ट पहले कुछ आधा तो नहीं है, आधा है तो वहां पे वो शायद यण संधि हो सकती है, और वहीं पर आप यण संधि का फॉर्मूला लगा के देख लेना, ठीक है। तो देखते हैं न्याय। न्याय के लिए करके देखेंगे तो कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्योंकि य से पहले कुछ आधा है, न न है, और यहाँ पर क्या है, य है, और इसमें कौन सा स्वर डला हुआ है, आ डला हुआ है। तो आ डलते ही इसको तो अलग कर दो कि भाई क्या हो जाएगा, ये तो आय हो जाएगा। और य कैसे बना हुआ है, य बना हुआ है हमारे ई ई के साथ। तो एक तो आप नी ऐसे लिखो, दूसरा बड़ी ई लगा के भी देख लो कौन सा सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है भाई, नी आय होता है, ऐसा नी तो नहीं होता, ये हो जाएगा नी आय, न्याय। ओके, नाउ नेक्स्ट पित्राज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पित्राज्ञा। कैसे करते हैं, देखो कहाँ हो रहा है, त्रा दिख रहा है आपको, अगर शब्द के बीच में त्रा वाली चीज दिख जाए। अब आग बोलोगे मैम इसमें तो आ दिख रहा है, ये भी होना चाहिए, लेकिन कैसे पता करोगे, त्रा, त्रा कैसे बना हुआ है, त्रा तो एक अलग से वर्ण नहीं है, उसमें भी क्या है, दो वर्ण डले हुए हैं, एक तो त और एक र, है ना, त और र डला हुआ है, उसके साथ डला हुआ है आ, ओके, ये डला हुआ है, मतलब मैंने इसको जब अलग किया तो त र आ रहा है, और ये होते ही हमको वहीं पर ही हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा कि नहीं नहीं र के बाद क्या दिख रहा है, कुछ आधा है, क्या है, त आधा है, तो ये तो कौन सी संधि होगी, ये तो हमारी दीर्घ संधि नहीं होगी, ये हमारी यण संधि होगी। करके देखते हैं, आ गया, इस र में से आ को अलग कर दिया तो यहाँ पे तो पूरा पूरा हो जाएगा आ गया। काम करना है कहाँ पर, आगे वाले के ऊपर, कैसे, र, र कब आता है, जब हम क्या लगाते हैं, री लगाते हैं, ठीक है। तो री लगाने के लिए री की मात्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा हम क्या लगाते हैं, अगर ना होता है, ना के साथ अगर कोई फॉर्मूला होता है तो हम क्या लगाते थे, ऊ की मात्रा लगाते थे ना, सॉरी, अगर हम य के साथ लगा रहे थे तो ई ई की मात्रा लगा रहे थे, अगर ऊ आएगा तो ऊ की मात्रा लगाएंगे, जैसे स्वागत के लिए कहते हैं। अब री है तो री के लिए भी मात्रा ही लगाएंगे, और री की मात्रा क्या होती है, इस तरह से होती है, और वो कहाँ लगेगी, त के साथ लगेगी, क्योंकि त आधा है, र से तो हमको मिला है कि र कैसे बना हुआ है भाई, किसी भी री के साथ अगर कोई भी स्वर डला है, स्वर डला था ये आ, इसको तो हमने पहले से कर दिया। अब री के लिए कौन सी मात्रा होती है, ये होती है, तो लिखेंगे पी
ये त, इसमें ये री की मात्रा लगाते ही पूरा बन जाएगा, तो हो जाएगा पित्र आज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है, तो हो जाएगा पित्र आज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। तो यण संधि की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण कहाँ हो रही है मैम, एक ही मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो गुण संधि होनी चाहिए, नहीं होगी गुण संधि, क्यों, क्योंकि वहां पर आपको हर बार किसी भी शब्द में यण संधि को क्रॉस चेक करना होगा कि कहीं यण संधि तो नहीं है कहीं। यण संधि में क्या होगा, य व र के साथ जस्ट पहले कोई चीज आधी दिख रही हो तो वहां पर यण संधि के चांसेस हैं। निकालते हैं इसको, कहाँ हो रही है संधि, यहाँ पर हो रही है व में, कैसे हुआ है, व आधा है, उसके साथ क्या है ए है, ठीक है। अब करके देखते हैं, ए ए आ गया तो उसको तो पूरा पूरा ऐसे लिख दो एशन। ये व कैसे आया है, ये व तो आया है ऊ, ऊ के साथ कोई स्वर डलेगा, अब ऊ के साथ क्या, ये न आधा है ना, अनु लिखें या अनु लिखें, अनु सही है ना, अनु नहीं है, अनु एशन ये वाला सही लग रहा है, तो ये इसको लिख देंगे अनु एशन अन्वेषण, ठीक है, अनुवेषण अन्वेषण, ये हो गया हमारा यण संधि। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अयादि संधि, अयादि संधि का फॉर्मूला क्या है, ए के साथ इससे अब से पहले आ ई उ ऊ सब आए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए ए ओ औ आता है और इनके साथ अगर कोई स्वर डलेंगे, अगर ए के साथ कोई स्वर डलेगा तो अ होगा, ए के साथ कोई स्वर डलेगा तो आय होगा, ओ के साथ कोई स्वर डलेगा तो अव होगा, अव के साथ कोई भी स्वर डलेगा तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, ठीक है। पहचान कैसे करोगे, अब से पहले तो हम दीर्घ संधि में क्या देखते थे, आ की मात्रा देखते थे, बड़ी की मात्रा देखते थे, बड़े ओ की मात्रा देखते थे, फिर जब गुण संधि की बात आई तो हम ए की मात्रा देखते थे, ओ की मात्रा देखते थे, जब वृद्धि संधि की बात आई तो हम दो मात्राएं देखते थे, जब यण संधि की बात आई तो हम देखते थे य के साथ र के साथ और व के साथ कुछ आधा होगा, ठीक है, ये हमारी पहचान थी। लेकिन अयादि संधि के लिए क्या होगा, अयादि संधि में ये पहचान है कि अब से पहले आपको मात्राएं मात्राएं दिख रही होंगी जो भी हम बनाते थे, जो भी उसके साथ रूल्स यूज होते थे, लेकिन अयादि संधि में आपको ए ए ओ औ इनकी मात्राएं नहीं दिखेंगी, आपको शब्द के बीच में इसकी मात्राएं नहीं दिखेंगी, ऐसे शब्द होंगे, और मैक्सिमम ये कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्री का होगा, कोई कोई ऐसा शब्द होगा जो आपका चार का होगा, जिसमें से मैंने एक लिया है ताकि पता रहे आपको कि कहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे चार अक्षरों का आपका एक शब्द बन जाए, अदरवाइज आपको मोस्टली तीन के ही मिलेंगे, तीन अक्षरों के ही शब्द मिलेंगे। उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है पावन, ठीक है, और इसको जब भी विच्छेद करना है तो ट्राई करना कि आप इसको पूरा का पूरा ही विच्छेद कर दो, जैसे क्या दे रखा है, पावन को अगर अलग करें तो क्या है, प आ, व को करें अलग तो व अ, और न को अलग करें तो न अ, इसलिए मैंने आपको शब्द विच्छेद करना सिखाया था क्योंकि वो अयादि संधि में काफी काम आता है। यहाँ पे देखो आव, आव दिख रहा है, आव ये रहा, आव कैसे आता है, ओ के साथ कोई भी स्वर डल जाए तो, कोई भी स्वर डल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आव, तो कोई भी स्वर आव आता है। अब प के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि आव के साथ क्या लगेगा, ओ लगेगा, तो हो जाएगा प, और बाकी का बचा हुआ को लिख दो क्या है, अ न, ये न तो पूरा इसके साथ बनेगा ना, और अ ले लिया अन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भविष्य, ये आ गया ऐसा एक शब्द जो चार का दिख रहा है ना, है तो चार नहीं वैसे तो, किसका है, साढ़े तीन का है ना साढ़े तीन है ना, आधा है ये कहाँ पर हो रहा है, आपको दिख रहा है ये रहा अवी, अब आपको थोड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा अरे ये तो दीर्घ संधि है, ना 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 दीर्घ संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होती तो बड़ी की मात्रा होती पीछे की तरफ, नहीं है, अच्छा यण संधि है, वह दिख रहा है, नहीं वह दिख रहा है लेकिन वह से जस्ट पहले कुछ आधा है क्या, नहीं है, तो ये यण संधि भी नहीं है, नहीं है, ऐसे क्रॉस चेक करो अपने आप से, ये है नहीं है क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है, ये है नहीं है क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है। भविष्य, यहाँ पर देखो भविष्य को पूरा कर दो अलग, भ
उसमें अ डला हुआ है, ठीक है, फिर वी के साथ क्या है व, और उसमें ई है, और श आधा तो है ही ऑलरेडी वो, और क्या बचा हुआ है य और अ। अब अव, अव कहाँ दिख रहा है भाई, अव किस में होता है, जब हम ओ लगाते हैं, है ना, ओ, अगर आ होता है तो अव लगाते हैं, तो भ के साथ हम क्या लगाएं, भ में ये वाला लगाते हैं भो, भो, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे बचा क्या है ईश्य, इसको पूरा लिख दो ऐसे, ईश्य भौष्य, ठीक है, तो हो जाएगा भौ ईश्य। इससे पहले क्या लगाया था हमने, पावन के लिए पौ अन। नेक्स्ट लास्ट क्या है, नायक, नायक को करके देखते हैं, नायक देखो, नायक को कैसे करेंगे, अलग कर दो सबको, न आ य अ क अ, अच्छा नायक, ठीक है, करके देखते हैं, आय, आय कहाँ आता है, आय ए के साथ आता है, तो न में क्या लगा देंगे हम ऐसे, क्या एक मात्रा लगेगी, नहीं नहीं दो मात्रा लगेंगी ना, गलती कर देंगे हम, दो मात्रा लगेंगी, बाकी का बचा हुआ लिख दो अ और क, अ और क, क में अ लगा तो पूरा बन जाएगा क, हो जाएगा ने अक नायक, ने अक नायक, ठीक है, तो ये हो गई हमारी अयादि संधि। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने संधि विच्छेद करना सीखा, क्योंकि आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अब आपको संधि, स्वर संधि इतनी अच्छे से तो आ गई होगी कि किसी को भी पढ़ा सकते हो, कि आज संधि नहीं आती, आओ मैं पढ़ा देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से आती है। संधि को इस तरह से सीख लो कि भाई खुद तो पढ़ ही सको, खुद तो समझ ही सको, दूसरे को ऐसे समझाओ कि आपसे अच्छी तो संधि किसी को आती ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि बस उसको फिर से ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े, और इस तरह से पढ़ लो कि हाँ भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मुझे अच्छे से आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखेंगे व्यंजन संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि अब तक पहले आप अ आ आ आ समझते थे, अब हमारे पास नई चीज़ें आएंगी व्यंजन व्यंजन वाली, क ख ग ये सारी चीज़ें आएंगी, क वर्ग च वर्ग त वर्ग ये सभी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।